अबाउट दिस यू ऑल हैव रेड इन योर प्लस वन क्लास, शेयर कैपिटल इज नॉट अ न्यू टर्म फॉर यू पीपल. एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी रेज द फाइनेंस फ्रॉम द पब्लिक. उस क्लास में हम लोगों ने थियरी में पढ़ा था, लाइक इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू रीड इन दिस क्लास हाउ द प्रैक्टिकली द कंपनी इज रिकॉर्डिंग इट. कंपनी क्या क्या जर्नल एंट्रीज करेगी, कौन कौन से लेजर अकाउंट बनाएगी, कंपनी अपनी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो करेगी, अबाउट दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. बिकॉज द पेपर इज गोइंग टू बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, सो सिंगल लाइन ऑफ थियरी इज इंपॉर्टेंट. एवरी सिंगल लाइन ऑफ थियरी इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अगर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट की बात करूं तो फ्रॉम पेज नंबर 17 ऑफ दिस चैप्टर ही इज गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. इट मींस कि पहले 16-17 पेजेस हमारे थ्योरी के हैं, उसमें से मैक्सिमम चीजें आपको आती हैं, बट इवन देन आई विल गो थ्रू विद दैट. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द थ्योरी. शेयर कैपिटल, द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू शेयर्स इंटू स्मॉल पार्ट्स एंड दैट स्मॉल यूनिट इज नेम्ड एज व्हाट, शेयर. और जब मैं टोटल शेयर्स को कर देती हूँ तो वो शेयर कैपिटल बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने 1,00,000 शेयर्स इश्यू करे, दैट आर द नंबर, बार बार वी विल बी यूजिंग दिस टर्म इन द चैप्टर. 1,00,000 इज द नंबर ऑफ शेयर्स द कंपनी इज इशूइंग, और हर शेयर की एक वैल्यू डिसाइड करती है भाई कंपनी. फॉर एग्जाम्पल, ईच शेयर इज ऑफ रुपीज 10. 1,00,000 शेयर्स क्या हुए हैं, इशू हुए हैं. ठीक है, 10 रुपए का एक है. इफ समबडी आस्क फ्रॉम यू व्हाट इज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, वी विल आउटराइटली मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ शेयर्स विद द फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर एंड वी विल बी कॉलिंग दैट द कंपनी शेयर कैपिटल इज 10,00,000. ठीक है, फर्दर दिस शेयर कैपिटल इज बीइंग डिवाइडेड इनटू सो मेनी सब कैटेगरीज दैट वी विल डिस्कस एज एंड व्हेन वी विल बी कवरिंग द डिफरेंट पेजेस ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट मी बिगिन विद द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर. दिस इज योर कंपनीज अकाउंट. दिस बुक यू हैव टू बाय, जिसका फर्स्ट चैप्टर आपकी फर्स्ट टर्म में है, सेकेंड और थर्ड चैप्टर आपकी सेकेंड टर्म में है. जिस बच्चे को शेयर कैपिटल का चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, उसको सेकेंड टर्म में जब मैं डिबेंचर्स करवाऊंगी, दैट विल बिकम वेरी इजी. ठीक है, तो जो एंट्रीज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वही एंट्रीज सिर्फ नाम चेंज करके हम डिबेंचर वाले चैप्टर में किया करेंगे. एंड डिबेंचर इज इजियर देन शेयर कैपिटल, सो ट्राई टू फोकस ऑन दिस चैप्टर, बिकॉज दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी अ बेस फॉर योर डिबेंचर विच वी विल बी कवरिंग इन योर सेकेंड टर्म. Okay, let me start with the first page. पहले पेज में उसने joint stock company की definition दी है. What is the meaning of a joint stock company? It is an association of persons formed and registered under Companies Act. ठीक है, दो या दो से ज्यादा बंदे, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा बंदे किस केस में होंगे, प्राइवेट कंपनी के केस में, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 या 7 से ज्यादा बंदे जब मिलके एक बॉडी कॉर्पोरेट शुरू करते हैं, उस बॉडी कॉर्पोरेट को हम लोग क्या कहते हैं, कंपनी. और इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अंडर कंपनी एक्ट. और आज एट प्रेजेंट जो हमारा कंपनी एक्ट अप्लाई हो रहा है, दैट इज 2013. कोई भी नई कंपनी खुलेगी तो उसको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा अंडर कंपनी एक्ट 2013. इससे पहले की अगर कंपनी खुली हुई है, मीन्स 2013 से पहले की अगर खुली हुई है, तो दैट आर बीइंग रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1956. पहले ये वाला चला करता था. 2013 या उसके बाद जो भी कंपनी खुलेगी उसको इस एक्ट को फॉलो करना होगा, राइट. इससे पहले जो खुली हुई है, तो अर्लियर कंपनी एक्ट, वी यूज टू कॉल इट इंडियन कंपनी एक्ट 1956. यू आर नॉट रिलेटेड विद दैट. सारे प्रोविजन हम लोग इस चैप्टर में इसी एक्ट के पढ़ेंगे, राइट. अगली लाइन में उसने यही लिखा, कंपनी के टोटल कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और वही छोटे छोटे हिस्से एक शेयर कहलाते हैं. अ स्मॉल यूनिट इन द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नेम्ड एज शेयर. And when that share is being multiplied with the, that number of shares are being multiplied with the face value per share, we get the total capital of the company, right? So this is what he is talking about. Company ki do definitions de rakhi hain, dono definitions. Main pehli definition dekhiye. A company means a company incorporated under this act. Under this act means 2013. Or any previous act, tab kaun sa act chalta tha? 1956. कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी ऐसी एसोसिएशन जिसको पर्सन्स ने मिलके बनाया है, जिसकी रजिस्ट्रेशन या तो इस एक्ट के अंडर हुई है या इससे पहले वाले एक्ट के अंडर हुई है, तो हम उसे कंपनी का नाम देते हैं. नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ कंपनी, और वी कैन कॉल इट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी. पहली, इनकॉर्पोरेशन. पार्टनरशिप में इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन वॉज ऑप्शनल. कंपनीज के केस में रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी भाई. ठीक है, आपका जो भी प्रिवेलेंट एक्ट होगा उस दौरान, उस एक्ट के अंडर आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन.
or company is an artificial person. How? How? Because it can sign, it can be sued, it can earn its own property, but it can't walk and talk like you and me. So we both are the natural person. Company भी person है, उसका भी एक नाम है, उसकी भी एक पहचान है हमारी तरह, इसलिए वो person तो है लेकिन artificial person है. You are getting my point? क्योंकि company की मेरे और आपकी तरह एक existence है. Company का एक नाम है, Tata and Steel is a company. Maruti Udyog Limited is a company. इनकी अपनी एक नाम और पहचान है ना इनके. और we can sign with our hands, but companies sign is its common seal. कंपनी की अपनी एक स्टैंप होती है जिसके ऊपर डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ के ऊपर साइन करते हैं. सो कंपनी की भी अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है, बट वी डोंट कॉल इट एज अ नेचुरल पर्सन. वी ऑलवेज कॉल अ कंपनी अ एन आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक है, कंपनी हमेशा एक आर्टिफिशियल पर्सन रहती है. सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर. मेंबर्स आर सेपरेट फ्रॉम इट. The company, कंपनी अपने मेंबर से बिल्कुल अलग है. कंपनी के मेंबर्स को हम शेयर होल्डर्स कहते हैं और कंपनी का अपना एक नाम और पहचान है. इसके मेंबर्स की अपनी एक नाम और पहचान है और कंपनी की अपनी एक नाम और पहचान है. सो कंपनी एंड इट्स मेंबर बोथ आर द सेपरेट एंटिटीज. बोथ आर हैविंग सेपरेट आइडेंटिटीज. दोनों की अपनी नाम और पहचान अलग अलग है. आप ये नहीं बोलोगे कि अगर इसके 100 मेंबर्स हैं या 100 शेयर होल्डर्स हैं तो वो कंपनी और शेयर होल्डर्स बराबर है. नो, members are separate from its company. ठीक है, that is the second feature of it. Third feature मैंने already बता दिया, artificial personal account है. He can pick this line. It can own property, enter into contract. Company किसी दूसरी party के साथ contract कर सकती है. Company अपना business चला सकती है. Company एक word आपको करवाया होता है plus one में, can sue and be sued. What it means? Yes, कंपनी अगर किसी को धोखा देती है तो कंपनी के अगेंस्ट भी केस हो सकता है. कंपनी को अगर कोई धोखा देता है तो कंपनी उस पार्टी पे केस कर सकती है. ठीक है, कैन फाइल द केस. कैन ओन द प्रॉपर्टी, कैन स्यू एंड बी स्यूड. कंडक्ट द बिजनेस इज रिफ्लेक्टिंग विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन. दिस लास्ट लाइन ऑफ द थर्ड पॉइंट ही कैन पिक एंड ही कैन आस्क यू आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द कंपनी. इन दैट केस यू विल बी आइडेंटिफाइंग इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, राइट. फोर्थ, परपेचुअल एग्जिस्टेंस. मैम ने आपको प्लस वन क्लास में बार बार करवाया होगा, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल रिमेन इनटू एग्जिस्टेंस. मेंबर्स पुराने जा सकते हैं, नए मेंबर्स आ सकते हैं, किसी मेंबर की डेथ हो सकती है, कोई इंसॉल्वेंट हो सकता है, लेकिन कंपनी विल बी देयर. कंपनी लगातार चलती रहेगी. मींस कंपनी इज हैविंग अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस. लगातार कंपनी चलती रहेगी. ठीक है, मेंबर्स के आने और जाने से, मेंबर्स के ना रहने से हमारी कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इन दैट रिगार्ड वी कॉल इट परपेचुअल एग्जिस्टेंस. कंपनी कैन ओनली कम टू एन एंड एट द टाइम ऑफ इट्स वाइंडिंग अप. जब आपने खुद मेंबर्स ने सोच लिया कि अब कंपनी को बंद कर देना है, और कंपनी को बंद करना इज नॉट एन ईजी प्रोसेस. अगेन यू हैव टू फॉलो अ लीगल लेंथी प्रोसेस. यू हैव टू अप्लाई फॉर इट्स वाइंडिंग अप. कंपनी जब तक आप उसे वाइंड अप नहीं करते, लगातार कंपनी चलती रहती है. आमतौर पे कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. फॉर एग्जांपल, मैंने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदे, हर शेयर 100 रुपए का. ठीक है, मेरे को मैक्सिमम कंपनी को 10,000 पे करना है. एम आई राइट? नंबर ऑफ शेयर्स आर 100. आई परचेस्ड थ्रू ब्रोकर. मार्केट में नहीं मिलते, ये ब्रोकर्स के थ्रू खरीदे जाते हैं और 100 रुपए का एक शेयर है. मींस मैक्सिमम मैंने कंपनी को 10,000 देना. और कंपनी सारे का सारा पैसा एक बार नहीं मंगवाती. इस चैप्टर में हम बार बार करेंगे ये 100 रुपया कंपनी ने कैसे डिवाइड किया और इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी पैसा मंगवाती है. पहली इंस्टॉलमेंट्स को हम हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में एप्लीकेशन मनी कहा करेंगे. ये वो पैसा है जब हम कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, उस टाइम पे हमें पे करना होगा. लाइक आपने स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो प्रॉस्पेक्टस जब खरीदा उस टाइम पे जो फी पे करी उसे रजिस्ट्रेशन फी कहते हैं ना, या एप्लीकेशन फी कहते हैं. You applied for the form. कल को आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो you have to buy the prospectus. For that you have to pay a fee. उसे application fee कहते हैं. Similarly, जब मैंने उस company के shares के लिए, सीधे शेयर नहीं मिलते भाई, company का एक process है. आप company के shares के लिए apply करते हैं, वो share available होंगे तभी आपको मिलेंगे. और जब आपको मिल जाते हैं तो हम उसे allotment कहते हैं. Means company has given the shares to you.
उस टाइम पे आप कंपनी को और कंपनी आपसे मंगवाएगी अलॉटमेंट मनी। इट मींस कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमेशा अलॉटमेंट मनी हुआ करे। बाकी का पैसा कंपनी चाहे तो एक इंस्टॉलमेंट में मंगवाए, चाहे तो दो इंस्टॉलमेंट में मंगवाए, चाहे तो तीन इंस्टॉलमेंट में मंगवाए, और उन्हें हम कॉल मनी कहा करेंगे। अगर कंपनी ने दो इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया तो हम उसे पहली इंस्टॉलमेंट को बोलेंगे अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल, दूसरी इंस्टॉलमेंट को बोलेंगे सेकेंड कॉल, और सेकेंड के साथ कई बार वो वर्ड लगा देता है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मीन्स इसके बाद और इंस्टॉलमेंट नहीं मंगवाना। अब ये 100 रुपया 4 इंस्टॉलमेंट में मेरी कंपनी कवर करना चाहती है, एम आई राइट? कंपनी ने बोला 10 रुपए जब आप अप्लाई करोगे तभी पे कर देना, 50 रुपए जब मैं आपको अलॉट करूंगा तब पे कर देना, फर्स्ट कॉल जब मैं मंगवाऊंगा 10 रुपए वो पे करना, 50 और 10 60 60 और 10 70, बाकी रह गया 30, बाकी जब मेरा मन करेगा जहां मेरे को जरूरत होगी मैं तब मंगू, ठीक है? तो मैंने एक आपको पॉइंट करवाना था, लिमिटेड लाइबिलिटी। ऑल द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर सपोज टू पे अप टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू है शेयर की आप सिर्फ उतना पे करोगे, उससे ज्यादा एक सिंगल पेनी भी पे नहीं करोगे। इन दैट रिगार्ड वी कॉल इट लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है? पार्टनरशिप में कौन सी लाइबिलिटी है पार्टनर्स की? अनलिमिटेड, बिकॉज देयर पर्सनल प्रॉपर्टीज कैन इवन बी सोल्ड इन केस द फर्म रन्स इनटू लॉसेस, बट हियर बाय हमारे मेंबर्स को कुछ भी नहीं पे करना इफ द फर्म इफ द कंपनी रन्स इनटू लॉसेस। सो इन दैट रिगार्ड वी कॉल इट हैज लिमिटेड लाइबिलिटी, राइट?